देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें अपनी सफलता के लिए पूरे प्रयास करने चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए, अपना 100% देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम सफल नहीं हो पाते हैं तो उस फेलियर को कैसे हैंडल करना है ये भी हमें सीखना होगा। आज मैं दो चीज़ों पर फोकस करूंगी, पहला कि इसे हैंडल कैसे किया जाए, दूसरा इसमें पेरेंट्स का क्या रोल होता है। सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आप दुनिया के पहले ऐसे इंसान नहीं हैं जो फेल हो रहे हैं। बहुत से अगर आप सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज या ऑटोबायोग्राफीज उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी ऐसे छोटे छोटे पड़ावों पर, छोटे छोटे कदमों पर इस तरह से फेल हुए हैं और उसके बाद उन्होंने सफलता के लिए बहुत ऊंची छलांग लगाई है। सो इट्स ओके टू एक्सेप्ट योर फेलियर। मैं अब कुछ टिप्स देना चाहूँगी। पहला, एक्सेप्ट योर फीलिंग्स। अगर आपको बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है, खराब हो रहा लग रहा है तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप उसको अपने मुस्कुराहट के पीछे ज़बरदस्ती छुपाने की कोशिश करेंगे या आप ये कहकर कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है टालने की कोशिश करेंगे तो वो बाद में आपको लाइफ की लेटर स्टेजेस में आपको बहुत परेशानी देगा। एक पॉपअप की तरह वो बार बार लाइफ में आता रहेगा और आपको कभी उदास करेगा, कभी आपको मूडी बना देगा, कभी आपको गुस्सैल बना देगा। इस तरह आपके मूड स्विंग्स उसे होते रहेंगे, यानी कहीं ना कहीं आपको उससे बहुत परेशानी होगी और आपका हीलिंग प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जैसा महसूस कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, अपनी फीलिंग्स को। अगर आपका रोने का मन कर रहा है तो आप रो लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लड़के हैं या लड़की हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि नहीं, लड़का है तो उसको रोना नहीं चाहिए, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। अगर आपका मन है, आप रोना चाहते हैं, आप रो लीजिए। अगर आप शेयर करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आप बात कर लीजिए। देखिए, शेयर करने से ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि हमको उस प्रॉब्लम को दूसरे नज़रिए से देखने की भी हिम्मत मिलती है और हम उस चीज़ को दूसरे नज़रिए से भी एनालाइज कर पाते हैं। अब उसके बाद एक और चीज़ जो सेकेंड पॉइंट आता है वो ये आता है कि ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं हमारा डिसीजन या हमारी स्ट्रैटेजीज या हमारी टेक्निक्स जो भी हैं वो गलत हो गई। ऐसा नहीं है कि हम फेल हो गए, हम फेलियर नहीं है। हमारी स्ट्रैटेजीज में ही थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत थी, शायद उन टेक्निक्स में बदलाव लाने की ज़रूरत थी। तो अपनी जो सिचुएशन है उसको प्रॉपरली एनालाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि आप मूव ऑन कीजिए। अटक के हमें रहना नहीं है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हमें बुरा लगता है, ज़िंदगी में ऐसे छोटे छोटे पड़ाव आते हैं, बट लाइफ इज़ अ लॉन्ग जर्नी। तो पिछले एक्सपीरियंसेस से हम एक लेसन लेके कि हाँ, हम उन चीज़ों को, गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे और एक नई तैयारी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई हिम्मत के साथ जो है हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। और ये भी देखा गया है कि बहुत बार हमें गिल्ट पैदा हो जाता है या हमें शर्मिंदगी आ जाती है। सो प्लीज़ आप ये बिल्कुल भी मत कीजिए, शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। इतनी ज़्यादा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को माफ़ कीजिए और पिछली चीज़ों को भूलकर आप आगे बढ़िए। पेरेंट्स के लिए एक जो सोचने की चीज़ है या एक मैसेज जो मैं पेरेंट्स को देना चाहूँगी वो ये कि आप अपनी इच्छाएँ, आकांक्षाओं के बोझ तले बच्चे को बिल्कुल भी मत दबाइए। आपका बच्चा एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, उसके हीलिंग प्रोसेस में उसकी मदद कीजिए, उसको प्यार दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए और इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है, अगर हमारा भरोसा हमारे बच्चे पर है तो ज़िंदगी में एक दिन वो बहुत सी ऊंचाइयों को छू लेगा। Be a support to your child. Thank you. Stay happy. Stay blessed.